हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एम्ब्रोस रिएक्शंस। मेरा नाम है रेहान और मैं हूं साहिल और मैं हूं जाहिद। सो आज इस वीडियो पर हम रिएक्शन करने वाले वो फिर से आज एक सनाज बकेट का ही वीडियो है और इस वीडियो का नाम है व्हाई पाकिस्तान इज बेटर देन इंडिया इन ड्रामास। एक्चुअली लास्ट टाइम हमने देखा था कि भाई पाकिस्तानी मूवीज और इंडियन मूवीज का इन्होंने कंपैरिजन किया था और इस वीडियो में इन्होंने पाकिस्तानी ड्रामास और इंडियन ड्रामास का कंपैरिजन किया था। सनाज जी के बहुत बड़े फैन हो चुके हैं, मतलब जब से वीडियो देखा है। हाँ, और इनके वीडियो बहुत ही कमाल के होते हैं और मैं मतलब पर्सनली इनका फैन हो चुका हूँ। ये तो हो चुका है सच में। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स जंप इनटू दिस वीडियो। हियर वी गो। मम्मी आप क्या कह रही हैं? गोपी बहू की सास। मम्मी आप क्या कह रही हैं? निवाला जातिया। मैं तुझसे तेरे पापों का बदला लेने आया हूँ। मम्मी आप क्या कह रही हैं? दो काम किए बगैर पाकिस्तान और इंडिया की लेडीज को खाना हजम ही नहीं होता। एक, पड़ोस की बेटी पे नजर और दूसरे ड्रामे देखना। ये काम हम दोनों मुल्कों की औरतों में ऐसे ही कॉमन है जैसे लंबे बालों में। तो मैंने सोचा कि आखिर पाकिस्तानी और इंडियन ड्रामों में डिफरेंस क्या है। कुछ ज्यादा नहीं, दोनों मुल्कों के ड्रामाज में एक ही तरह की स्टोरीज और कैरेक्टर्स होते हैं, जैसा कि एक बहुत बुरी सास, बेचारी जुम्म सहती बहू जो कि ऑब्वियसली हीरोइन है। उसके अलावा घर में रहने वाला हर कैरेक्टर उसका जानी दुश्मन है। और यहाँ ये कि हमेशा लड़का बहुत अमीर होता है और लड़की बेचारी गुर्बत की मारी समझकर करने वाली खूबसूरत तरीन औरत। नो डाउट पाकिस्तान ने कुछ सालों में बहुत अच्छे ड्रामे बनाए हैं जिसका स्टार्ट हम सफर से हुआ था, लेकिन स्टोरी उसकी भी उतनी ही टिपिकल थी जितना देसी पेरेंट्स के स्टेरियोटाइप। अमीर डैशिंग लड़का, गरीब हसीन लड़की, सास की डाली हुई गलत फहमी। लेकिन वो ड्रामा पाकिस्तान इंडिया में बहुत पसंद किया गया था। फिर आया जिंदगी गुलजार, एंड गेस व्हाट, सेम अमीर लड़का गरीब लड़की, खुदा और मोहब्बत, अगेन अमीर लड़का गरीब लड़की। लेकिन ऐसा भी नहीं है, प्यारे अफजल, दास्तान, चेहरेजाद और सबका फेवरेट यकीन का सफर, ये ड्रामे अच्छे थे और ऐसे ड्रामे इंडिया ना तो आज तक बना सका और ना ही बना सकेगा। लेकिन अगर आप पूछे कि पाकिस्तान और इंडिया ड्रामास में सिमिलर क्या है तो वो है सोप। अबे साबुन नहीं, वो जो डेली 20 मिनट के टोटे नहीं होते जो दुनिया खत्म हो जाती है पर वो खत्म नहीं होता है, उनको सोप कहते हैं। सेम घिसी बिटी लेम बेहुदा वल्गर स्टोरीज दोनों साइड्स पर। डेली 20 मिनट ऐसे दिमाग पकाऊ सोप लगते हैं जिनकी स्टोरी 400 साल बाद भी वहीं रुकी रहती है जहां छोड़ी है। इंडियन ड्रामास का धूमताना धूमताना देश देश पाकिस्तानी ड्रामा में नहीं है, खुदा का शुक्र है। धूमताना धूमताना बहुत घंटे तक दिखाते ना, ये हर एंगल से शूट करके दिखाते ऊपर नीचे दाएं बाएं। और इंडियन ड्रामास वाली इम्पॉसिबिलिटीज भी नहीं है, जैसे एक कैरेक्टर मरने के बाद भी वापस आ जाता है, और ना ही हमारी ड्रामों की औरतें 20 किलो का मेकअप और जेवर पहन के पागलों की तरह घूमती हैं, और ना ही हीरोइन के गिरने और हीरो के एट द स्पॉट पहुंच के हीरोइन को गिरने से बचाने का सीन होता है, ना ही हीरो को देख के हीरोइन के बाल हवा में उड़ना शुरू हो जाते हैं। और वो सीन जिसमें लड़की के हाथ पे चोट लगे तो दर्द हीरो को होती है, बंदा पूछे एड्डा तू मजनू कोई और काम भी कर लिया कर, फौरन से हीरोइन के हाथ पे दवाई लगाने ऐसे हाजिर हो जाता है जैसे 4 घंटे पढ़ने के बाद जब मैं टाइम देखने के लिए मोबाइल उठाऊं तो अम्मी सर पे हाजिर हो जाती हैं। भाई तारीख गवाह है, आज तक मेरे हाथ पे जब भी काम करते हुए चोट लगी है अम्मी से बिजती ही हुई है कि मनहूस आग के घोर के काम किया। लेकिन मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान और इंडियन अवाम इस चीज पर अग्री करती है कि पाकिस्तानी ड्रामास एक्टर्स, स्क्रिप्ट, डायलॉग्स और ओएसटीज इंडिया ड्रामा से 200 गुना बेहतर है। आपकी क्या राय है इस बारे में, पाकिस्तानी ड्रामास अच्छे हैं या इंडियन? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। मेरा फेसबुक पेज भी लाइक करो और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बटन जरूर हिट करें वरना मेरी अपलोड की भी वीडियोस आप तक नहीं पहुंचेंगी। तो मिलते हैं अगले हफ्ते एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। सुपर यार, बहुत अच्छा वीडियो बनाया है। शॉप की तो बाय अच्छा किया, माय गॉड दज्जे उड़ा दिए। एक बात इन्होंने सच कही है, मैं तो अग्री करता हूं। मैं भी अग्री करता हूं, सबसे ज्यादा अग्री तो मैं करता हूं। ढुम 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 ढुम। बहुत और एक्चुअली ये जो इनके ड्रामास, मैं रियल बता रहा हूँ, ये मैंने भी देखे, बहुत रियल लगते हैं इनके ड्रामा, ऐसा लगता है जैसे मूवी देख रहे हो, मूवी भी हो और इनकी स्टोरी बहुत फास्ट चलती है। बढ़िया चीज ड्रामे की रहती है कि इनके एक्चुअली एक खत्म हो जाते हैं, कुछ कम एपिसोड में खत्म हो जाते हैं, एक सीरीज रहती है कि 23 एपिसोड 23 का। हमारे तो साला वो पता नहीं 2008 से अभी ये रिश्ता क्या कहलाता है, तो बहुत लंबे टाइम से चलता है, खत्म ही नहीं हो रहा है, लोग उसका इंतजार कर रहे हैं कब खत्म हो, कब खत्म हो ही नहीं रहा, और खत्म होने के बाद 4 बार पुनर्जन्म हो जाता भाई। हाँ यार, हम इंडियंस ना मिरेकल पे बहुत बिलीव करते हैं, तो हमारे सीरियल्स में भी सिर्फ मिरेकल ही दिखाते हैं कि लोग मरने के बाद फिर से जिंदा हो जाते हैं और ये सब दिखाते हैं, तो रियली हम मिरेकल में बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं, सारे वीडियो में मिरेकल। हाँ, बट सोनी के थोड़े कुछ सीरियल है जो सोनी चैनल के शोज अच्छे होते हैं, देखने लायक खत्म हो जाते हैं इसलिए। हाँ, वो सही टाइम पे खत्म हो जाते हैं के अलावा। और आजकल ऐसे भी कुछ शोज आने लगे हैं जो सिर्फ एक एपिसोड या दो एपिसोड में खत्म हो जाते हैं,
और कुछ कोई एपिसोड ऐसे शनिवार संडे आते हैं तो ज्यादा दिन नहीं। और जो आज का यूथ है उनको ये डेली सोप्स देखना बिल्कुल भी पसंद नहीं, वो सिर्फ यही शो देखते हैं जो लाइक प्यार तूने क्या किया इस टाइप के जो आते हैं ना, बिंदास या फिर नागिन भी देख लेते हैं जो जल्दी खत्म हो जाए और उनकी जगह पे नया शो भी जल्दी आ जाए। और नागिन में तो बस एक ही हर बार एक ही स्टोरी रहती है भाई, किसी ना किसी चीज का उसे रिवेंज लेना आता है, तो ये रहती है कि उसके नाग मर जाता है। पाकिस्तानी सीरियल्स अगर मैं देखूँ तो मैंने अभी देखा पूरा सीरियल सुनो चंदा, फर्स्ट एपिसोड से लेके टोटल सारे एपिसोड देखे मैंने उसके डेली और मुझे बहुत पसंद आया। हमने फैजान ने और मैंने उसका रिव्यू वीडियो भी बनाया, फाइनल एपिसोड तक हमने उसे देखा और हमें इतना अच्छा लगा कि हम साथ में बैठकर पूरी फैमिली साथ में बैठकर देखती, जो डेली उसका एक एपिसोड यूट्यूब पर ऑनलाइन हम देखते थे। फेन हो गए तो हमने 3 वीडियो बनाए उसके, पता है उस सीरियल के रिव्यू वाले, तो अगर आपने वो नहीं देखे तो आप देख सकते हो। और अभी बेदर्दी ड्रामा भी बहुत देख रहा है फैजान। फैजान तो फैन हो चुका है भाई पाकिस्तानी सीरियल का, ड्रामा देखने का बहुत भी था फैन। और फैजान को चिढ़ भी है ड्रामे से, इंडियन ड्रामों से बहुत चिढ़ है फैजान को, जब भी कोई घर में ऑन करता है बंद करता है। मुझे नहीं समझ में आ रहा है। अरे अच्छे होते यार, मैंने देखा ना सुनो चंदा तो हमारा कमेंट ये है कि हमें पाकिस्तानी ड्रामे ज्यादा अच्छे। हाँ भाई, और मूवीज बॉलीवुड की अच्छी लगती है, वो तो ये भी मानेंगे। तो है ही, लास्ट वीडियो में बोल ही दिया उन्होंने, खुद ही मान लिया। सना ने भी बोला है, वो तो मानना ही पड़ेगा। सो गाइस, ओवरऑल बहुत अच्छा लगा, आप लोग अच्छा लगा तो करना लाइक शेयर सब्सक्राइब, और नए हो हमारे चैनल पर तो सब्सक्राइब पक्का कर देना, और घंटी बजाना बिल्कुल मत भूलना, और सनाज बकेट चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, एक और चैनल की लिंक दी हुई है एम मैक जो फॉर यू की, जाके उसको भी सब्सक्राइब कर लो। अच्छे अच्छे हंसी भरी वीडियो देखने के लिए और इंडियन रिएक्शंस देखने के लिए, इंडियन मूवीज ट्रेलर वगैरह के रिएक्शंस देखने के लिए, तो गो एंड सब्सक्राइब। सो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मेक लव नॉट।